36 वर्षीय मनोज की जो है एक डेथ हो जाती है सड़क हादसे में कुटेल रोड पर। बताया जा रहा है कि कुटेल रोड पर इसी तरीके से काफ़ी सारे हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं सर। जिनकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? मनोज नाम है जी उनका, और होम गार्ड में नौकरी करता था, डेली ड्यूटी पे आता था, शाम को घर जाता था। जाते वक्त जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे थे और पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद गाड़ी सवार जो है गाड़ी लेके फरार हो गया। गाड़ी वाले का कुछ पता लगा? गाड़ी वाले का कोई पता नहीं लगा अभी तक। और डेली के हादसे हो रहे जी, पिछले 3 महीने में 7-8 डेथ जो है हमारे रोड पे हो चुकी है। प्रशासन कोई शोध बोध नहीं ले रहा इस बात की बिल्कुल भी। डेली के हादसे हैं जी। पीछे 3 लड़के जवान 25-26-24 साल की उम्र के, 3 एकदम इकट्ठी डेथ हुई थी। एक हफ्ता वो ट्रोला खड़े रहे सड़क पे, कोई प्रशासन न सुध बुध नहीं ली उस पर। घर में कौन कौन है सर उनके? घर में पिताजी आ जी, मम्मी आ जी, दो बच्चे छोटे हैं, दो बच्चे ड्यूटी उनकी 12 सेक्टर में, 12 सेक्टर होमगार्ड की ड्यूटी करते। तो घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए अब कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा जी। परिवार खाली को पाले, माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं जी, बीमार हैं, वो बीमार हैं जी दोनों। माँ बाप जो हैं दोनों बीमार हैं, बुजुर्ग हैं जी, उम्र दराज हो रहे, 65-67 साल की उम्र हो रही। तो ऐसे में सारा घर का जो है मामला डागम डोल हो गया जी। इस लड़के पे ही पूरे परिवार का खर्चा पानी था, जो भी था मामला। नई उम्र का बच्चा था। गाड़ी वाले का कुछ पता लगा? गाड़ी वाले का कोई पता नहीं लगा जी, गाड़ी फरार हो गया मायर का टक्कर। हाँ, FIR दर्ज होगी जी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं हम गाड़ी के देखते हैं, ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, क्या बाद में पता लगेगा जी। तो आप देख सकते हैं होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात थे मनोज, जो कि करनाल ही ड्यूटी करते थे, कुटेल रोड पर कल जो है ये हादसा होता है और किस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। फिलहाल शव को जो है करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में लेकर आया गया है। 2 छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं मनोज के। जी हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चे मनोज के बताए जा रहे हैं, जो कि खुद ही यहाँ होमगार्ड की ड्यूटी करते थे, उनकी किस तरीके से जो है डेथ हो जाती है। फिलहाल परिजन आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर पहुंचे हुए हैं। अब पीछे से कोई गाड़ी थी, पता नहीं अज्ञात गाड़ी थी, कोई पता तो कुछ लगे नहीं। टक्कर मार कर निकल के 8-10 स्पॉट बच्चे की डेथ हो गई जी। नई उम्र का बच्चा था, 35-36 साल की उम्र थी। रात हुआ जी ये 6 बजे, 6:30 बजे। बाइक पे क्या काम करते थे? होमगार्ड में ड्यूटी करते थे, तैनात थे जी। शादीशुदा थे। दो छोटे बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, 4-5 साल। कुटेल के ही रहने वाले हैं? कुटेल के ही रहने वाले हैं। रीजन परिवार से गरीब सा परिवार है जी। माता पिता बीमार है ऑलरेडी पहले ही। आप क्या लगते हो? बीमार हो रहे हम तो पड़ोसी हैं जी, गाँव से ही हैं जी। कहाँ पे काम करते थे? यहाँ सेक्टर 12 में होमगार्ड में। क्या नाम है इनका? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कुटेल गांव के रहने वाले होमगार्ड में ड्यूटी करने वाले मनोज की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। और लोगों का कहना है कि कुटेल रोड की अगर बात करें, कहीं ना कहीं खूनी रोड बनी हुई है, हादसों की रोड बनी हुई है, लगातार काफ़ी सारे हादसे जो हैं वो इस रोड पर देखने को मिलते हैं। और जो प्रशासन है वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अनिल मेहता के साथ, टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।